डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि आपको पता है, अपनी जो चर्चा चल रही है वो मेवाड़ के इतिहास के बारे में चल रही है। और मैंने आपको पिछली क्लास में महाराणा लाखा के बारे में बताया था। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने जो भी मित्र है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास में शेयर करना। तो मैंने आपको पिछली क्लास में जो मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा थे उनके विवाह के बारे में बताया था। का हंसाबाई का जो विवाह था वो सशर्त किसके साथ में किया जाता है? महाराणा लाखा के साथ में। और शर्त क्या रखी गई थी? का हंसाबाई और महाराणा लाखा से जो संतान पैदा होगी वही मेवाड़ की अगली भावी शासक बनेगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र महाराणा चूड़ा या राणा चूड़ा के द्वारा आजीवन अविवाहित रहने की विषम प्रतिज्ञा ली जाती है। इसी कारण मेवाड़ के इतिहास का या राजस्थान के इतिहास का विषम पितामह किसे बोला जाता है? तो आंसर सीधा सा होना चाहिए आपका, राणा चूड़ा को राजस्थान का विषम पितामह कहा जाता है। तो आज अपन उसी क्रम में आगे की बात करते हैं और आगे क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आती है महाराणा लाखा के समय की उनकी चर्चा करते हैं। तो मेवाड़ के शासक कौन? महाराणा लाखा जिसको अपन लक्ष सिंह भी कहते हैं। लाखा महाराणा लाखा, तो इनके समय में क्या क्या मतलब हुआ था तो उनकी अपन बात करें। इनके समय में छित्तर या पिच्छू बंजारे के द्वारा इनके समय में चित्तर या पिच्छू बंजारे के द्वारा पिछोला पिछोला झील का पिछोला झील का निर्माण करवाया जाता है। तो मैंने क्या बताया है कि ये जो महाराणा लाखा थे इनके समय में चित्तर या फिर पिच्छू बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। तो मैं आपके सामने यहाँ पे पिछोला झील का एक पिक्चर बनाता हूँ। तो ये कौन सी झील थी? पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील। ये कौन सी झील बनाई मैंने आपके सामने? पिछोला झील। तो होता क्या है, इस पिछोला झील के किनारे इसके किनारे जगमंदिर जगमंदिर ये जगमंदिर किसके द्वारा बनवाए गए? तो आप याद रखोगे जगत सिंह 1 के द्वारा पिछोला झील के किनारे जग मंदिर महल बनाए गए थे। पिछोला झील के किनारे
जग मंदिर महल किसने बनवाए? तो जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा जग मंदिर महल बनवाए गए थे। और इसी पिछोला झील के किनारे जगनिवास महल, जगनिवास महल किसने बनाए? तो आप याद रखोगे जगत सिंह द्वितीय। तो ये जो पिछोला झील थी, इसका निर्माण चित्तर या पिच्छू बंजारे के द्वारा करवाया गया था। और पिछोला झील के किनारे जग मंदिर जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा और जगनिवास जगत सिंह सेकंड के द्वारा, जगनिवास महल जगत सिंह सेकंड के द्वारा बनवाए गए थे। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है, नटनी का चबूतरा कहाँ पे स्थित है? एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। यह भी कई बार पूछा गया है कि नटनी का चबूतरा कहां पे स्थित है, तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए पिछोला झील के किनारे इस नटनी का चबूतरा स्थित है। अब इस नटनी के चबूतरे के पीछे क्या स्टोरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो होता क्या है, महाराणा इस लाखा के दरबार में, जब महाराणा लाखा का शासन था या महाराणा लाखा का जब दरबार चल रहा था, तो उसी समय मेवाड़ में क्या है, एक नटनी आती है। नटनी का अर्थ आप ले सकते हो जैसे भाट जाति होती है, तो भाट जाति वैसे तो वंशावली लिखने का काम करती है, लेकिन कुछ भाट कर्तव्य दिखाने वाले भी होते हैं। कर्तव्य का मतलब मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे कहने का मतलब जैसे एक बंबू लगा दिया एक खंभा यहाँ पे और एक खंभा यहाँ पे। अब मान लो इसके रस्सी बांध दी गई और उसी रस्सी पर बिना कुछ पकड़े अगर कोई महिला इस छोर से उस छोर पर जाती है, तो उसको सामान्य भाषा में अपन क्या कह सकते हैं, कर्तव्य कह सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराणा लाखा के समय में एक नटनी आती है और नटनी के द्वारा कर्तव्य दिखाए जाते हैं, तो उसके कर्तव्य को देखकर वहाँ की जो प्रजा थी वो बहुत खुश होती है और उसको राजदरबार में महाराणा लाखा के समक्ष ले जाया जाता है। तो वहाँ पे उस नटनी को महाराणा लाखा के द्वारा कर्तव्य दिखाने के लिए बोला जाता है। तो महाराणा लाखा और इस नटनी के मध्य में शर्त लग जाती है। और क्या शर्त लगती है, कर महाराणा लाखा क्या बोलता है, महाराणा लाखा कहता है का अगर तू इस पिछोला झील को पार कर गई। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे यहाँ पे खंभा है, यहाँ पे ये खंभा बना दिया मैंने, ये खंभा और यहाँ पे भी ये खंभा है, ये खंभा और इनके मध्य में कौन सी झील पड़ रही है, ये पिछोला झील। कौन सी झील, पिछोला झील, पिछोला झील, आप ऐसे समझो मैंने क्या बताया, पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो सर ये नटनी का चबूतरा इस पिछोला झील के किनारे पे ही क्यों स्थित है, इसका क्या कारण है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ का ये मैंने ये दो खंभे बना दिए और खंभों पे ये यहाँ से यहाँ तक ये रस्सी बांध दी, क्या रस्सी, और एक मतलब रस्सी का एक छोर इस खंभे पे और दूसरा छोर इस खंभे पे और बीच में क्या आ गई, सारी पिछोला झील। तो मेवाड़ के महाराणा लाखा और ये जो नटनी थी इसके बीच में शर्त लग जाती है। और महाराणा लाखा क्या कहता है इस नटनी से, अगर तू इस पिछोला झील को इस किनारे से उस किनारे पर
केवल बिना कुछ पकड़े अगर रस्सी पर चलकर अगर इस पिछोला झील को पार कर जाती है तो मैं अपना आधा साम्राज्य तेरे लिए दान में दे दूंगा, ऐसा बोला गया किसके द्वारा? महाराणा लाखा के द्वारा। तो जो नटनी थी वह भी करतब दिखाने में काफी कहने का मतलब होशियार थी। तो होता क्या है, इस खंभे पर यहाँ पे रस्सी बांधी जाती है और वो जो नटनी थी वो नटनी अपना करतब दिखाना स्टार्ट करती है और लगभग जब नटनी उस रस्सी पर चढ़ती है तो जैसे ही वो आगे आगे जाती है तो एक समय कहने का मतलब ऐसा लगने लगता है कि ये नटनी कहने का मतलब इस झील को, कौन सी झील को, पिछोला झील को पार कर जाएगी। तो फिर होता क्या है, इस महाराणा लाखा के कहने पर इस रस्सी को काट दिया जाता है, महाराणा लाखा के कहने पर इस रस्सी को यहाँ बीच में से काट दिया जाता है और ये जो नटनी थी और शायद उस जो ये नटनी थी, इस नटनी का नाम क्या था, गलकी था। इस नटनी का नाम क्या था, गलकी था। तो ये नटनी इसी पिछोला झील में कहने का मतलब गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब इसी पिछोला झील के अंदर उसका मामला सेट हो गया, कहने का मतलब वह हमेशा के लिए स्वर्ग सिधार गई। तो इसी कारण से महाराणा जो ये लाखा थे इनके द्वारा इस पिछोला झील के किनारे ये नटनी का चबूतरा बनवाया गया था। तो ये नटनी का चबूतरा इस पिछोला झील के किनारे होने के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं, महाराणा लाखा इनके समय में चित्तर या पिच्छू बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया और ये जो पिछोला झील है इसके किनारे जग मंदिर महल जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा बनवाए गए थे और जो जगनिवास महल है ये जगत सिंह सेकंड के द्वारा बनवाए गए थे। और मैंने आपको ये भी बताया है कि पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। अब ये चबूतरा यहाँ पे कैसे बना, क्यों बनाया गया, इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब अपन जो महाराणा लाखा के समय की कुछ बातें हैं उनकी भी अपन चर्चा करते हैं। तो मैं स्टार लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ, लाखा के समय मगरा क्षेत्र के जावर कहाँ पे पड़ता है, उदयपुर में, मगरा क्षेत्र के जावर में एक चांदी की खान निकाली गई, कहने का मतलब खोजी गई, मगरा क्षेत्र के जावर में एक चांदी की खान भी खोजी गई थी इसके समय में, महाराणा लाखा के समय में। तो मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, का शीशा प्लस में जस्ता, इन दोनों धातुओं की खोज भी किसके समय में हुई थी, महाराणा लाखा के समय में हुई थी। जो शासक कहाँ के थे, मेवाड़ के थे। तो आप इसमें से क्या याद रखोगे, ये नटनी का चबूतरा कहाँ पे स्थित है, पिछोला झील के किनारे स्थित है और जगनिवास में जगत सिंह जो जग मंदिर है वह जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा और जगनिवास जगत सिंह सेकंड के द्वारा बनवाए गए थे। तो अपन अब आगे की चर्चा करते हैं, ये थे मेवाड़ के महाराणा लाखा। तो लाखा के पश्चात जब लाखा का देहांत हो जाता है तो मैंने आपको ये बताया भी था कि लाखा का विवाह सशर्त होता है, कि जब लाखा का देहांत हो जाएगा तो लाखा के पश्चात अगले जो मेवाड़ के शासक बनेंगे उन शासक का नाम होगा हंसाबाई और महाराणा लाखा के जो पुत्र होंगे वही शासक बनेंगे। और इन दोनों के एक पुत्र हुआ और मैंने आपको पहले बताया भी था इनके पुत्र का नाम था महाराणा मोकल। तो इनके कौन सा पुत्र हुआ, महाराणा मोकल, महाराणा
मोकल उन महाराणा मोकल। अगले मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा मोकल। तो इस समय राजमाता कौन थी? राजमाता, तो इस समय राजमाता थी हंसाबाई। कौन? हंसाबाई, क्योंकि ये मोकल की माँ थी। तो राजमाता कौन थी? हंसाबाई। और महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र और कौन थे? राणा चूड़ा। तो इस समय राणा चूड़ा भी थे मेवाड़ में। कौन थे? राणा चूड़ा। राणा चूड़ा तो होता क्या है, क्योंकि ये महाराणा मोकल उस समय अल्पायु का बालक था। तो ये जो राजमाता थी हंसाबाई, शासन का सारा कार्यभार इन्होंने अपने हाथों में ले रखा था, और शासन का मतलब अपने साम्राज्य का शासन इनके द्वारा चलाया जा रहा था। तो ये जो राजमाता थी हंसाबाई, इस हंसाबाई के द्वारा राणा चूड़ा के ऊपर क्या किया गया था? शक किया गया। शक किया गया कि ये राणा चूड़ा ये अपने पुत्र मोकल का मामला सेट करना चाहता है। कहने का मतलब मोकल को मौत के घाट उतारना चाहता है। तो ये शक किसके द्वारा किया गया? राजमाता हंसाबाई के द्वारा किया गया। तो ये जो राणा चूड़ा थे ये कहाँ पे चले गए? जब इनको इस बात के बारे में पता चला कि अपनी माता हंसाबाई के द्वारा मेरे पे शक किया जाता है, तो ये कहाँ पे चला जाता है? ये मांडू चला गया। मांडू, और मांडू कहाँ पे पड़ता है? मालवा में। मालवा, और मालवा कहाँ पे पड़ता है? एमपी। एमपी में चला गया। चला गया। तो मैं आपको महाराणा मोकल के बारे में क्या बता रहा हूँ? मोकल के समय में राजमाता कौन? हंसाबाई। और हंसाबाई के द्वारा राणा चूड़ा के ऊपर शक किया गया कि ये महाराणा मोकल, कहने का मतलब अपने पुत्र को मामला सेट कर सकता है, कहने का मतलब मौत के घाट उतार सकता है। तो जब इसके राणा चूड़ा के ऊपर शक किया गया, तो राणा चूड़ा मतलब परेशान होकर या कुछ भी मानो आप, लेकिन ये कहाँ पे चला गया? मांडू मालवा। और मांडू मालवा कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो अपन इस मोकल के बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन आज मेरी कुछ तबीयत खराब होने के कारण अपन ज़्यादा लंबे समय तक ये क्लास नहीं ले सकते। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो, अपनी जो अगली क्लास है वह अपन कर लेंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।